أَلَمْ يأنن الذين آمَنُوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون हिदायत के सरचश्मे भी दिखेंगे कौन से सरचश्मे कहाँ से हिदायत पुटती है कुफर शिरक छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो जाने वालों के लिए हिदायत ये अल्लाह के हिदायत की सूरत में मौजूद है यानी हिदायत अल्लाह के अख्तियार में है फिर इस्लाम लाने वालों की सीधी राह की तरफ रहनुमाई करना भी हिदायत का ज़रिए और हिदायत की तरफ रहनुमाई का काम कुरान और रसूल के ज़रिए से हुआ इतने ख़ूबसूरत पैगाम पे, पे यह सूरत पूरी होती है कि क्या तक के लिए असूल लिख लो कि ईमान क़ुरान के ज़रिए से हासिल होता है अपने बच्चों को ईमान देना चाहते हो शौहरों को बीवियों को क़ुरान से जोड़ दो बस क़ुरान क़ुरान और कुरान क़ुरानी ईमान हो रूहानी ईमान हो इलमी अमली तो का तकाजा हो क़ुरान ही वो एक चीज़ है जिसको पढ़ने के बाद अपना अमल चुभता है और आप याद रखिए जो ही आप नया कुरान पढ़ते हैं ना नए नए शुरू होते हैं इंज़ार इंज़ार आप में से जो पहली दफ़ा पढ़ा है उसके दिल का मुझे वाकई एहसास और मैं बड़ी मोहब्बत और रमदर्दी रखती हूँ आपके के लिए यह भी गलत यह भी गलत क्योंकि पहले तो हम ला थे ना इंजाम का पता था और अगर कुछ पता था तो शिद्दत नहीं पता थी कि नमाज़ छोड़ने का क्या गुनाहर हराम कैसे सांप सांपर बिच्छू बन जाएंगे आगे जाकर गलतियाँ करते हैं अब कुरान पकड़ा किसी दोस्त के कहने पर आगे दौरे कुरान में अब तो रोज़ भी फील होता है कुरान खोलता है, ये भी गलत ये भी गलत ये भी छोड़ना ये भी छोड़ना इसलिए शुरू शुरू में कुरान पढ़ने वालों को रोना बड़ा आता है क्योंकि बड़ा तजाद दिखता है ना अपनी ज़िंदगी में और कुरान में फिर लेकिन आप अगर चलते जाएंगे तो फिर अल्लाह आपकी उंगली थाम लेगा फिर आप उसके पीछे चलेंगे और उसको वली बनाएंगे तो खुशखबरियाँ से खुशखबरियाँ भी मिलती जाएंगी और नतीजे निकलते जाएंगे अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक दे दे